सुबह स्कूल कैसे जा रही है? कैसे जा रही है? अरे कहना क्या चाहते हो? तो व्लॉगिंग मतलब कहने डेली जॉब के साथ व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल होता है ना, तो मुझे तो पता ही है। तो आप बहुत क्यों नहीं याद रहा? मैं तो भूल जाती हूँ। भूल क्यों जाते हो भाई? जब आप सुबह नबी कैसी और बेबी धूप एंजॉय कर रही है, दो दो बेबी धूप एंजॉय कर रही है, एक सोक एंजॉय कर रही है और एक फाइनली नबी को लेके आ गए और नबी आ गई स्कूल से वापस। अब देखे कैसे एक्शन मार रही है, सुबह के टाइम पे कैसी होती है? आई ना बात तो करें ना, बात करने में क्या जाता है। सुबह के टाइम पे कैसी होती है और दोपहर को जब आती है वापस तो कैसी एक्से सुबह ऐसे होती है दोपहर को ऐसे हो जाती है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। इसको सुलाने के चक्कर में, लेकिन ये नहीं सोना चाह रही, नींद नहीं आ रही इसको ना, नींद नहीं आ रही ना। तो अनाबिया को स्कूल छोड़ने का टाइम हो गया और अनाबिया देखिए यूनिफॉर्म पहन के लेटी हुई है। अनाबिया और अनाबिया उठो, देर हो रही है, चलो यूनिफॉर्म पहन के रेडी होके फिर से बिस्तर में घुस गई है। चलो आ जाओ, उठो उठो, देर हो रही है, उठ जाओ ना। हेलो करें, हेलो नहीं करना है, बस ऐसे ही हेलो करना है। चलो ये लो अपने पैसे भी लो, अपने पॉकेट के अंदर आ गए, उठे देर हो रही है मेरे बेटा, शाबा उठो उठे, चले फटाफट चलते हैं नाबिया को स्कूल छोड़ के वापस आते हैं। नाबिया देर हो रही बेटो, उठो ना, क्या हो गया? बोला ना इसको स्कूल छोड़ के हम सुबह सुबह स्कूल भेजना सर्दियों में बहुत मुश्किल काम है। हाथ दो मेरा, हाथ दो मुझे, नाबिया उठो। चलो तो किसी तरह नबिया को हमने उठा के बिठाया है, देखिए वो देखिए बैठ गई है, तो चलते हैं अब स्कूल लेके जाते हैं उसको और वापस आके सो जाएंगे फिर। चले फिर तो चले नबिया को स्कूल लेके चलने, नबिया को हमने फाइनली रेडी कर दी है। नबिया कहाँ छुपी हुई है? मेरे पीछे छुपी हुई है, देखना एकदम से आपको नजर आएगी नबिया। नबिया चले चले, हेलो तो कर दो एक बार, सलामुअलैकुम तो बोल दो एक बार। नहीं देखो नाबिया सुबह सुबह स्कूल कैसे जा रही है? अरे कहना क्या चाहते हो? कैसे जा रही है? रात को सोती नहीं है, रात को 11 बजे तक जाग रही होती है और फिर जो है ना सुबह स्कूल नींद आ रही होती है। अभी देखो कैसे नींद के मारे में जो है ना टोन बड़ी हुई है, अभी आधी टोन है आधी सुन है। तो चले नाबिया को लेके चलते, देर हो रही तो छोड़ के आते हैं। तो फाइनली उठ गए हैं भाई, सो गए थे नबी को छोड़ के आए थे, आके हम सो गए थे, तो अभी आँख खुली है, अभी बिस्तर में लेटे हुए, मज़ा आ रहा है बिस्तर में लेट के, ठंड है ना भाई। तो उठते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, नाश्ता करते हैं, नहीं मुँह हाथ धोते हैं पहले नबिया को लेके आते हैं, फिर आके नाश्ता करते हैं, नाश्ते के बाद फिर जॉब पे जाने का टाइम हो जाएगा फ़ौरन, क्योंकि तकरीबन 12:30 हो रहे हैं और 2:30 बजे हम जॉब पे निकलते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है, उसमें हम नाश्ता करना होता है, नमाज वगैरह सब कुछ काम निपटाने होते हैं। तो चलें फिर उठते हैं भाई, फाइनली फ्रेश हो गए हैं और अबू बकर भी हमारे साथ है। अबू बकर आप फ्रेश हुए? हाँ आप फ्रेश हो गए? हाँ तो आपने हैब में तो अस्सलाम वालेकुम भी नहीं बोला, कैसे हो? कैसे हो आप? कैसे हो आप? कैसे हो? अबे मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हाँ तो चलें अब चलते हैं, कहाँ जा रहे हैं? नबी को लेने जा रहे हैं और आते हुए कुछ खाने के लिए भी लेके आते हैं। नाश्ते में क्या खाएंगे आज हम? क्या खाएंगे? छोले? तू तो लाहौरी छोले ही खाना, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ सुबह नाश्ते में इसको छोले चाहिए ना, लाहौरी छोले लाजमी चाहिए इसको नाश्ते में। तो चलें फिर चलते हैं, नाबिया को लेके भी आते हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेबी की आवाज़ आ रही है, चलो बेबी को ले लीजिए, बेबी के पास चले, बेबी के में आवाज़ आ रही है।
बेबी 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 और बेबी धूप एंजॉय कर रही है, दो दो बेबी धूप एंजॉय कर रही है, एक सोक एंजॉय कर रही है और एक आंखें खोल के एंजॉय कर रही है। अबीरा इरहा तो चले इनको धूप एंजॉय कर दे, हम चलते हैं नाबिया को लेके आते हैं। अम्बकर सुबह नाबी कैसी होती है, बकर बताएगा किसी तरीके से सुबह नाबी और दोपहर में कैसी होती है। तो चले नाबी अब चेंजिंग वगैरह करें, तो नाश्ता ले आए, नाश्ता करते हैं, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, तो चले नाश्ता करें अबू बकर, चलो अब नाश्ता लगाते हैं। चलो नाबी आपको कुछ दे रही, जाओ ले नाबी से, तो चले नाश्ता करते हैं, नाश्ता लगाते हैं, लगाओ नाश्ता, लगाओ भाई नाश्ता करें। तो नाश्ते का टाइम हो गया, नाश्ता करते हैं, नाश्ते में आज हम अबू बकर नाश्ते में क्या कर रहे हैं बताओ ज़रा इनको, अबू बकर नाश्ते में क्या कर रहे बताओ, और क्या आपके पास, पराठा कुछ नहीं है, पराठा नहीं है, पराठा नहीं है मेरे को, होटल ही पराठा। अच्छा होटल वाला पराठा भी आपके पास, तो चले नाश्ते में चने नाश्ता करते हैं, तो फिर आपसे बात करते हैं, बच्चों को ट्यूशन में जैसे ही भेज देना, इसके बाद तो फटाफट नाश्ता करते हैं, फिर चलें जल्दी से नाश्ता करें। फाइनली नाश्ता कर लिया हमने और अब बच्चों को भेज रहे हैं कहाँ पे, ट्यूशन मदरसे भेज रहे हैं बच्चों को, भी अबू बकर भी रेडी है, अबू बकर आप रेडी हो ट्यूशन जाने के लिए, आज तो अबू बकर ने ट्यूशन का काम नहीं किया, आज अबू बकर ने होमवर्क नहीं किया, ट्यूशन का होमवर्क नहीं किया, तो आज अब अबू बकर को पड़ेगी मार, कितने चमाटे पड़ेंगे अबू बकर आपको, 6-5 पड़ जाएंगे। काम क्यों नहीं किया आपने बताओ तो सही, काम क्यों नहीं किया आपने, तो आपको खुद क्यों नहीं याद रहा, भूल क्यों जाते हो भाई, जब आप मदरसे ट्यूशन से वापस आते हो शाम को, उसके बाद आप एक घंटे बाद दोबारा बैग खोल के अपना काम किया करो ना, हाँ इसको चीज खानी है, मुझे पता है चीज ही खानी है इसने बस, है ना, हाँ बस अभी अब बाजी जब दो चमारे तेरे को मारेंगे ना ठप ठप, फिर तो इसको समझेंगे काम भी करना, चलो इनको भेजते ट्यूशन में, हम भी रेडी होते हैं नमाज के लिए, नमाज पढ़ते फिर हमने जॉब पे जाना है, तो चले फिर फाइनली नमाज वगैरह पढ़ ली है और अब जॉब पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, बच्चों को भी ट्यूशन वगैरह से हमने भेज दिए और अब जॉब पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, आज वापस आके बेबी से बात करेंगे, बेबी से भी बात नहीं की और अब हम पर टाइम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं, तो जब रात को वापस आएंगे ड्यूटी से तो फिर आके बेबी से बात करेंगे, और अच्छा अब जो है ना काम का बर्डन पे ज़्यादा हो रहा है थोड़ा ना, तो इस चक्कर में हो सकता है ड्यूटी पे जाके आपसे बात ना हो पाए, वहाँ जैसे हम बोलते हैं हम आगे हम घर जाके बात करेंगे, तो यहाँ से हम जब चलेंगे अल्लाह हाफिज़ आपको करेंगे, तो वापस आके यहीं पे आपको दोबारा वो करेंगे कि मतलब वापस आके यहीं बीच में 8 घंटे का गैप आएगा वो आएगा, उसमें अगर उसमें एक चीज़ और भी हुआ करेगी अपना, जो 8 घंटे के गैप में अगर घर में कोई एक्टिविटी बनेगी तो अनाबिया उसकी वो करके रिकॉर्डिंग करके उसकी वॉइस ओवर कर दिया करेगी, तो हम उसमें इसको ऐड कर देंगे कि अनाबिया ने रिकॉर्डिंग की उसकी वॉइस ओवर की जो भी होगा, तो अब व्लॉगिंग मतलब कहीं डेली जॉब के साथ व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल होता है ना, तो उसके चक्कर में हमें थोड़ी मैनेजिंग करनी पड़ती है, जॉब के साथ व्लॉगिंग करना बहुत पड़े, अब 8 घंटे हमारे जॉब है उसके साथ व्लॉगिंग करना तो सब वो हो जाता है, बीच में गैप आ जाता है, आप लोगों को व्लॉगिंग ऐसी चाहिए होती कि मतलब कंटिन्यू, तो अब अगर मैं जॉब पे जा रहा हूँ तो पीछे अगर कुछ वर्किंग घर में होती कुछ बनता है तो उसकी वीडियो बन जाएगी, अनाबी वॉइस ओवर कर देगी उसके ऊपर, तो उसको हम इसमें ऐड कर दिया करेंगे, तो इस तरह व्लॉगिंग जो ना करेंगे क्योंकि बीच में पूरा रॉ मटेरियल आपको चाहिए ना, तो अभी जॉब पे चलते हैं तो फिर वापस आके आपसे घर पे दोबारा घर पे बात करेंगे, उसके बीच में अगर कुछ होता है तो वो ऐड कर देंगे, ठीक है। चलें जॉब पे जाने का टाइम हो गया है, हेलमेट ले लिए, सामान सब कुछ ले लिए, तो चलें उतरते हैं जॉब पे चलते हैं, तो अब से वापस आके फिर यही बात करेंगे, घर में कुछ स्पेशल बनते तो वो ऐड कर देंगे इसमें, वरना वापस आके फिर यही बात करेंगे, ठीक है चलो मैं अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, चलिए फिर चलते हैं, ठीक है। 6.5 hours later फाइनली घर वापस आए हैं, अभी शिवड़ी से ऊपर जा रहे हैं और आज ठंड बहुत ज़्यादा है, अभी बाइक चला के हैं तो अच्छी खासी सर्दी लगी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो अभी ऊपर चलते हैं खाना वाना खाएंगे, भूख भी लग रही है, चेंजिंग वेंजिंग करते हैं तो चले ऊपर चलते हैं, ऊपर पहुंच गए हैं और अबू बकर हमारे साथ है, देखे अबू बकर हमारे हाथ की क्या गई, हमारे पास कौन है, हमारे पास है अबीरा बेबी, अबीरा बेबी आई है, हटे आप हटे ना मुझे दिखाने दे, किसको देख रही हो, किसको अबू बकर तो देख रही है, हाथ हाथ तो हटाए ना, नजर तो आए अबू बकर, अच्छा हटो अबू बकर हटो, आप इधर देखो, अब देखो अबीरा अबीरा, हटे मोबाइल में देखने दे अपने आपको, उसको देखो अपने आपको, बीरा हाथ पीछे, हाथ पीछे टिका टिका बहु, अज्जा
देखिए अबू बकर मस्ती कर रहे हैं बहुत ज्यादा। अबू बकर हमने कहा था बेबी को रात को लेके आएंगे, तो बेबी तो आ गई है लेकिन अबू बकर बहुत मस्ती कर रहे हैं। अच्छा ये जो है ना इसको सुलाने के चक्कर में, लेकिन ये नहीं सोना चाह रही, नींद नहीं आ रही इसको ना, नींद नहीं आ रही ना। आप भटो टीका बहू बात करनी है हमसे। हेलो गाइस, अब बात फिर आ गया। अबे अच्छा, अबे हट, मैं मुन्नी के साथ। तू भी मुन्नी के साथ आएगा? तेरी क्या लगती है ये मुन्नी? तुम्हारी क्या लगती है ये मुन्नी? मुन्नी लगती तुम्हारी? नहीं तो बीदा। आपकी बहन है? हटो हटो, चलो तो चले फ्रेश होते हैं, खाना वाना खाते हैं। चलो फ्रेश होते हैं, खाना वाना खाते हैं। आपने खाना खा लिया? वो बकर खा लिया दाल चावल। दाल चावल? फिर दाल चावल खाए? दाल खाई आज? कौन सी दाल खाई है? तो चले खाना वाना खाते हैं। वो खाना आ गया, खाना खाते। खाने में हम आज खा रहे हैं जी माश की दाल खा रहे हैं, अचार तो हमारा हसबे मामूल अचार और रोटी। तो चले बंद हो जा, बंद हो जा। तो चले खाना खाते फटाफट से। ले खाना खा लिया, उसके बाद फिर अभी इशा की नमाज वगैरह पढ़ ली और अब टाइम हो गया है। क्या क्या करने का हो गया आपको बताते हैं, क्या करने का। अभी हम खाएंगे, क्या खाएंगे वो कर? क्या? अभी हम खाएंगे, आपको तो नहीं पता ना, मैं दिखाता हूँ। अभी खराब आप नीचे गिरा दोगे, दिखाओ मुझे, बुढ़ा हो गया हूँ। अच्छा जल्दी दिखाओ ना, मैं दिखाता हूँ, रुको छोड़ो। अबे यार तुम नहीं देखो मुझे, तंग कर रहा बाप। ऐसे ऐसे थोड़ी दिखाने होता है, ऐसे दिखाने होता है ऐसे। पीछे करके दिखाओ, पीछे करो ऐसे। क्या खा रहे हैं हम? इसको ऐसे नहीं दिखाते वो बकरे, हमेशा जब भी दिखाने हो ना इस तरह दिखाते, ऐसे आदमी बहुत सारा पकड़ते हैं। ये देखें अब हम खाएंगे ये सर्दी का तोड़, गर्मी का जोर सर्दी का तोड़। तो चलें इनको खाते हैं और साथ में ब्लॉग को करते हैं हम एंड। कल मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक, बेल आइकन को लगा दें और क्या ऑल पे। तो कल मिलेंगे नहीं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं भी करूँगा ऐसे ऐसे करो लापी।